अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़े द वैली ऑफ कश्मीर। हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एट ए ग्लांस। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था द वैली ऑफ कश्मीर। आज हम पढ़ेंगे द ग्रेटर हिमालयाज के बारे में। द ग्रेटर हिमालयज फॉर्म द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द वैली विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 600 मीटर्स एबो मीन सी लेवल। ये जो ग्रेटर हिमालयाज है, ये नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द वैली नॉर्दर्न साइड में आता है। एवरेज इसकी हाइट है 600 मीटर्स सी लेवल, समुद्री सतह, समुद्र से। नंगा पर्वत इज द हाइस्ट माउंटेन पीक ऑफ दिस रीजन इन ग्रेटर हिमालयाज। नंगा पर्वत जो है वो आता है हाईएस्ट माउंटेन पीक इस रीजन का, ग्रेट हिमालयाज में। नंगा पर्वत जो है, जोजिला एंड राजदान पास आर द इम्पोर्टेंट पासेस कनेक्टिंग वैली विद लद्दाख एंड गुरेज रिस्पेक्टिवली। जोजिला पास एंड राजदान पास, वो ऐसे दो रास्ते हैं, पासेस हैं, जो वैली को कनेक्ट करते हैं लद्दाख और गुरेज के साथ। कौन कौन? जोजिला एंड राजदान। द फेमस अमरनाथ केव इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस रेंज। इसी रेंज में आता है फेमस अमरनाथ केव, जिसमें अमरनाथ यात्रा होती है हर साल, वो इसी में सिचुएटेड है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट ग्रेटर हिमालयाज। होप यू अंडरस्टैंड। अस्सलाम वालेकुम।